वेलकम अगेन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है सब स्पेसेस। ठीक है, व्हाट इज सब स्पेस? देखिए, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वी ओवर आर, वी है ना, लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर सम फील्ड एफ, दिस इज ए वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो सब स्पेस का मतलब क्या है? जैसे हम पढ़ रहे थे ना, वहां पर सब ग्रुप्स हम जी लेते थे, उसका फिर हम सबसेट लेते थे। अगर वो भी ग्रुप बनाएगा अंडर द सेम ऑपरेशन, देन वी से दैट एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। इसी तरह यहां पर हम इस वी का जो ये नॉन एम्प्टी सेट है ना, इसका हम एक सबसेट लेते हैं। ठीक है, लेट डब्ल्यू नॉन एम्प्टी सबसेट, ठीक है, बी ए सबसेट ऑफ वी। अगर ये क्या है, सबसेट है किसका, वी का। अगर इसने भी ग्रुप बनाया अंडर सेम फील्ड, इफ डब्ल्यू इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस, अगर ये भी क्या बनाएगा, सॉरी ग्रुप नहीं, वेक्टर स्पेस, अगर ये भी क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस ओवर एफ, सेम फील्ड होना चाहिए यहां पर और यहां पर। ठीक है, देन डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ ए। समझ आ गई बात? देन डब्ल्यू क्या है, सबस्पेस ऑफ वी है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए एग्जांपल्स। देखिए, सपोज आपके पास एक वेक्टर स्पेस है वी, एक वेक्टर स्पेस है सपोज सी, जो फील्ड है वो है आर। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस? विच ऑफ द फॉलोइंग आर सबस्पेसेस? पहला डब्ल्यू इज इक्वल टू दूसरा ठीक है, तीसरा आर और क्यू, चौथा सी ओवर आर। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन कौन सबस्पेस है? क्या ये सबस्पेस है आर ओवर आर? पहले आपको क्या देखना है कि क्या ये इसका सबसेट है, यस है। तो क्या ये वेक्टर स्पेस है, यस। हमने तो पहले ही शो किया हुआ है उसमें कि डब्ल्यू भी क्या होना चाहिए, वेक्टर स्पेस। हमने तो ऑलरेडी शो किया हुआ है कि आर ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस, एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट सब फील्ड, तो ये वेक्टर स्पेस है, ये आ गया। अच्छा, क्या ये है? और हाँ, एक और बात, यहां पर फील्ड सेम है, यहां पर भी, यहां पर भी, तो क्या ये वेक्टर स्पेस है? हमने शो किया हुआ है ऑलरेडी कि जीरो स्पेस इज ए वेक्टर स्पेस, एवरी सेट कंटेनिंग ओनली जीरो और एनी फील्ड इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस।
ये भी वेक्टर स्पेस है, सेम फील्ड है। क्या ये वेक्टर स्पेस है? आर तो है इसका सबसेट, लेकिन यहां पर देखिए अगर ये अलग से एक वेक्टर स्पेस है, लेकिन क्या ये सबस्पेस है? नहीं है। क्यों? फील्ड यहां पर चेंज किया हुआ है, यहां पर क्यों है? सेम फील्ड होना चाहिए, तो ये भी नहीं है, सबस्पेस की बात है। ठीक है, तो क्या ये है? ये तो ट्री वे में मैंने आपसे कहा है कि v ओवर v, r ओवर r, q ओवर q, है ना? दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस, c ओवर r, दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस, एंड दीज टू यानी एक जीरो और खुद सेट, दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर सबस्पेसेस, इम्प्रॉपर, ट्रिवियल भी कह सकते हैं आप। ट्रिवियल सबस्पेसेस है ना। तो इसके बाद अच्छा ये है सबस्पेस फिफ्थ, क्यू ओवर क्यू, अगरचे ये इसका सबसेट है, लेकिन यहां पर आर फील्ड है, यहां पर क्या है? क्यों फील्ड है? हां आर होना चाहिए, ये भी नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या ये है सी ओवर क्यू? अगर मैं ले लूं, सब स्पेस की मैं बात कर रहा हूं, सब स्पेस की, ठीक है, अगर ये है वेक्टर स्पेस तो ये खुद में है, लेकिन क्या ये वेक्टर सब स्पेस है? नहीं है। क्यों? फील्ड यहां पर डिफरेंट फील्ड है, तो ये भी नहीं। ठीक है, अब हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम, क्राइटेरिया फॉर ए सबसेट टू बी ए सबस्पेस। देखिए अगर आपको कोई भी सबसेट दिखाना हो कि ये सबस्पेस है, तो आपको शो करना पड़ेगा कि ये वेक्टर स्पेस है ना। यानी आपको अगर मैं पूछूं, अगर हम इसको समझें, तो हम कह सकते हैं कि हमें 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, जो वहां पर हमने सेटिस्फाई की है कि अगर आपको कोई भी सेट ओवर सम फील्ड वेक्टर स्पेस दिखाना पड़ेगा, तो आपको वो 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होगी। इसी तरह अगर आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट सबस्पेस दिखाना हो, तो आपको भी वही अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा, आपको भी वही 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन वो तो बहुत लंबा रास्ता जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, एक थ्योरम हम यहां पर पढ़ेंगे, जिससे आपको विद इन सेकेंड्स आपको पता चल जाएगा कि ये नॉन एम्प्टी सेट सबस्पेस है कि नहीं। आपको जस्ट टू कंडीशंस हैव टू सेटिस्फाई। देखिए a non-empty subset w of v vector space over f over some field is a subspace। ये सब आपको जस्ट ये आपको शो करना है, ये सबस्पेस होगा कब? देखिए कब? If and only if, ठीक है। दो यहां पर if and only if है, दो properties। पहली property, zero vector must belong to W, मतलब इसमें zero होना चाहिए, और just this zero must belong to vector space, sorry W। अगर ये क्या हो गए, दैट इज वी कैन राइट दिस इन दिस वे, जीरो किस में होना चाहिए? W में। एक हो गई ये प्रॉपर्टी, और दूसरी अगर मैं कोई भी इसमें से वेक्टर्स लूंगा, क्योंकि ये इसमें वेक्टर्स होंगे, क्यों? बिकॉज V में वेक्टर्स होते हैं, ये तो उसका सबसेट है, उसमें भी वेक्टर्स होंगे। देखिए अगर मैं कोई भी वेक्टर्स लूंगा, फॉर ऑल यू वी बिलोंग्स टू W, और कोई भी मैं स्केलर लूंगा किससे? इस फील्ड में से, देन अगर
दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। एक क्लोजर लॉ अंडर एडिशन, मैंने आपसे उस दिन कहा था कि ये दो प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यू प्लस वी मस्ट बी इन डब्ल्यू और दूसरी ए यू मस्ट बिलोंग्स टू डब्ल्यू, मतलब वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बस ये दो प्रॉपर्टीज आपको सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, इसको हम जो ये है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, इसको हम एक ही प्रॉपर्टी लिख सकते हैं ऐसे, ए यू प्लस वी बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसी आप इसको देख सकते हैं कई बुक्स पर, वहां पर इस तरह लिखा हुआ है और कहीं पर इस तरह भी लिखा हुआ है, ए यू प्लस बी वी। ठीक है, लेकिन ये एक ही बात है, आप ये कीजिए या इस अंदाज से कीजिए, एक ही बात है। ठीक है, ये आपको आसान लगेगा। ठीक है, u प्लस वी कीजिए और a इंटू यू कीजिए। अगर ये किस में आ गया, w में आ गया, तो हम कहेंगे कि वेक्टर स्पेस है। ठीक है, ये मतलब सब स्पेस भी है। तो दिस इज अ क्राइटेरिया टू चेक वेदर w इज अ सब स्पेस और नॉट, बहुत ही आसान क्राइटेरिया है। तो हम इसके रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, पहले आपको वेक्टर स्पेस लेना पड़ेगा, सपोज आर थ्री, मतलब आर क्रॉस आर क्रॉस आर, और फील्ड लूंगा मैं आर। ठीक है, तो क्वेश्चन है देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस, कौन कौन क्या है सब स्पेस है। पहली एग्जांपल, सपोज पहला, इसको मैं नाम रखूंगा डब्ल्यू वन। देखिए ये तो क्या है, थ्री टपल, यहां पर भी मैं ऐसे बोलूंगा बिकॉज इसमें तो ऐसे एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, लेकिन जो ये ए बी सी है ये रैशनलिज्म में से है ना, बिकॉज क्यू इज सबसेट ऑफ आर है ना, क्यू क्रॉस क्यू क्रॉस क्यू। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, लेकिन इस यहां से स्केलर्स आ जाएंगे, तो पहली अगर आपको शो करना है कि ये सबस्पेस है, ठीक है सबस्पेस है, हालांकि अगर आप देखेंगे क्यू थ्री और क्यू, ये तो ऑलरेडी सबस्पेस है ना, ये तो ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, लेकिन आपको शो करना है कि ये सबस्पेस है इसका, वो अलग बात है कि ये क्या है वेक्टर स्पेस। क्या ये सबस्पेस है, पहली चीज, क्या इसमें जीरो है, वही थ्योरम अप्लाई कीजिए, क्या इसमें जीरो है, यस, ए बी लूंगा जीरो, बी बी लूंगा जीरो, सी बी लूंगा जीरो, बिकॉज जीरो इज रैशनल, पहली कंडीशन, जीरो बिलोंग्स टू डब्ल्यू, दैट इज जीरो 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 बिलोंग्स टू डब्ल्यू है ना, बिकॉज जीरो इज रैशनल। अब देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है, यू वेक्टर, अगर मैं यू लूंगा, सपोज ए वन है ना, बी वन सी वन, और वी लूंगा मैं, दो एलिमेंट्स लूंगा ना, ए टू बी टू सी टू है ना, बिकॉज यू प्लस वी मस्ट बी इन डब्ल्यू वन फॉर ऑल यू वी, यू तो मुझे यहां से लेना है। अब आप सम कीजिए, पहली कंडीशन यू प्लस वी क्या इसमें आ जाएगा, यस वो आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, क्यों, वो आ जाएगा ए वन प्लस बी वन, अगर आप ऐसे भी देखना चाहते हैं, ए वन प्लस बी वन, ए टू प्लस बी टू, सी वन प्लस सी टू है ना, ए वन प्लस बी वन, यहां पर है ए वन प्लस ए टू, सॉरी बी वन प्लस बी टू, सी वन प्लस सी टू, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो ये आ जाएगा क्यू थ्री है ना, तो ये आ जाएगा W1 में लिख सकते हैं आप। अब देखते हैं A into U, A into U, A कहां से आ जाएगा, इस फील्ड में से, अगर मैं A लूंगा रूट टू, A into U है ना, सपोज लेट A, बिकॉज फॉर ऑल A होना चाहिए, लेट A इज इक्वल टू रूट टू,
रूट टू इंटू ए बी सी, तो क्या ये डब्ल्यू वन में है? नहीं है, बिकॉज दिस इज रैशनल, दिस इज इरेशनल, तो ये बन जाएगा इरेशनल. यहां पर क्या है? रैशनल. देयरफॉर डब्ल्यू वन इज नॉट ए सबस्पेस. आगे बात समझ में, ये सबस्पेस नहीं है. यहां पर इसने ये कंडीशन फेल की. हाँ, अगर जो इसमें जीरो था और वो भी होल्ड हो गया, लेकिन ओवरऑल दिस इज नॉट सबस्पेस बिकॉज ए इंटू यू है ना. वहां पर मैंने आपसे कहा था उस दिन कि दो कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यू प्लस वी और ए इंटू यू. ओ, ये तो सेम है. अब दूसरी एग्जाम्पल करते हैं. W2, यही क्वेश्चन. तो ये W2 इज इक्वल टू, इसमें भी वैसे ही एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, लेकिन इसमें रिलेशन क्या है? देखिए, 2a प्लस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू जीरो है ना. इसमें रिलेशन ये है. ये कहां से होंगे? स्केलर्स में से है ना, ये तो उसी में से होंगे. तो अब आप मुझे बताइए कि ये क्या सबस्पेस है? जो ये इसमें एलिमेंट्स है ना, टपल, थ्री टपल, इनमें रिलेशन ये है कि टू टाइम्स ए प्लस थ्री टाइम्स बी प्लस फोर टाइम्स सी जीरो के बराबर है. तो क्या ये सबस्पेस है? पहली बात, क्या इसमें जीरो है? क्या इसमें जीरो है? यस, है ना. अगर मैं यहां पर लूंगा ए भी जीरो, बी भी जीरो, सी भी जीरो, फिर लेकिन जो ये वेक्टर है ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए. अगर मैं लूंगा क्या ए बी सी, मैं लूंगा जीरो जीरो जीरो. अब देखते हैं कि क्या ये इसके बराबर है. टू इंटू जीरो प्लस थ्री इंटू जीरो प्लस फोर इंटू जीरो इक्वल टू जीरो इक्वल टू आर एच एस, तो जीरो है इसमें. ठीक है, देयरफॉर जीरो बिलोंग्स टू किसमें? W2. तो एक कंडीशन हो गई. अब हम क्या करने जा रहे हैं? U प्लस V. ठीक है, जीरो तो इसमें ऑलरेडी होता है. अब देखते हैं कि क्या इसमें U प्लस V. हम लेंगे दो वेक्टर्स U इज इक्वल टू, यू हम लेंगे ए वन बी वन सी वन है ना, ए वन बी वन सी वन. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये इसमें है तो टू टाइम्स ए वन प्लस थ्री टाइम्स बी वन प्लस फोर टाइम्स सी वन इज इक्वल टू जीरो. दैट्स इट. अब लेंगे वी ए टू बी टू. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाय दिस रिलेशन है टू टाइम्स ए टू तो अब हम क्या करेंगे? U प्लस वी क्या जीरो आ जाएगा? नाउ U प्लस वी टू ए वन प्लस थ्री बी वन प्लस दिस ये जीरो, ये जीरो, जीरो प्लस जीरो. ठीक है, अब हम देखते हैं क्या A इंटू यू. नाउ वी हैव बी सेटिस्फाई ए इंटू यू. क्या मतलब है? ए कहां से आ जाएगा? इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, ए इंटू यू को लीजिए, ए वन बी वन सी वन आर दिस, और यू लीजिए ए बी सी, कोई मसला नहीं. सब टू ए वन लेते हैं, ए इंटू जीरो विच इज इक्वल टू जीरो विच इज ऑल्सो इन किस डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू. इट मीन्स दिस इज ए वेक्टर स्पेस. ठीक है, दिस इज ए वेक्टर स्पेस. तो यहां पर एक जनरल रूल आप लिख सकते हैं कि अगर कोई भी आपको ऐसी एग्जांपल दी जाए
जहां पर आप यहां पर लिख सकते हैं जनरली डब्ल्यू, अगर यहां पर इसमें ए बी सी आ जाए, थ्री टपल और कोई भी फोर टपल फिफ्थ टपल कोई भी, एल ए प्लस अगर ये लीनियर इक्वेशन है और वहां पर हो इक्वल टू जीरो है यानी होमोजीनियस, प्लस एन सी इक्वल टू जीरो, ये ऑलवेज क्या है, इज ऑलवेज ए सबस्पेस, इज ऑलवेज ए सबस्पेस, ये हमेशा सबस्पेस होता है। अगर क्या है, अगर यहां पर जीरो आ जाए, ठीक है, अगर यहां पर आपको जीरो मिल जाए ना, तो ये ऑलवेज क्या है, सब स्पेस है। अब मैं आपके लिए एक असाइनमेंट रखता हूं, आप मुझे बताइए कि क्या ये सब स्पेस है या नहीं, ठीक है। W3 ए बी सी, ये भी आपको शो कर रहा है क्या ये सब स्पेस है, लेकिन यहां पर मैंने दिया है एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप मुझे बताइए कि क्या ये सब स्पेस है, क्या ख्याल है, देखते हैं हम, ठीक है। यहां पर नॉट इक्वल, नॉन होमोजीनियस, देखिए सॉल्यूशन, मैं लूंगा सपोज एक वेक्टर इज इक्वल टू, सपोज क्या लेंगे, वन वन माइनस वन, ठीक है, और जो एल है ना, एल में लूंगा सपोज एल एम, एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू वन। पहले हमें चेक करना है कि क्या ये इसमें है, देखिए वन इंटू वन है ना, प्लस एम बी वन है, वन ये वन है, फिर है उसके बाद एन बी वन है, लेकिन जो ये है, ये है माइनस वन, किसके बराबर, ये आ जाएगा किसके बराबर, वन प्लस वन हो गया टू, टू माइनस वन हो गया वन, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये इसमें है, देयरफॉर जो यू है ये तो इसमें है ना, डब्ल्यू थ्री। अब हम लेंगे एक और वेक्टर, सपोज वी, वी को लेंगे हम, देखिए माइनस वन वन लेंगे, ठीक है, और जो एल है ना वो हम सेम लेंगे, वन वन एन इक्वल टू वन। पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये इसमें है, मतलब अगर हम इसको दिखाएंगे कि एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज नॉट इक्वल जीरो, तो ये इसमें है, देखिए वन इंटू माइनस वन है ना, वन इंटू माइनस वन प्लस वन इंटू वन, दिस एंड दिस कैंसल इज माइनस वन विच इज नॉट इक्वल जीरो, तो ये इसमें है, देयर फोर वी इज ऑल्सो इन किसमें, डब्ल्यू थ्री। अब देखते हैं क्या यू प्लस वी इसमें है, अब आप कीजिए यू प्लस वी। Now, अगर u प्लस वी इसमें आ गया तो हमें खतरा है कि ये कहीं ना कहीं सबस्पेस तो होगा शायद, देखते हैं पहले। नाउ u प्लस वी, बिकॉज u प्लस वी मस्ट बी ऑल्सो इन दिस, u प्लस वी जब हम करेंगे वन वन माइनस वन प्लस माइनस वन वन, तो ये किसके बराबर आएगा, वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन इक्वल जीरो, विच इज नॉट इन दिस, बट यू प्लस वी डज नॉट बिलोंग टू डब्ल्यू थ्री, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जीरो के बराबर आ गया, तो आप जनरली याद रखिए कि अगर यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, ये हमेशा सबस्पेस नहीं होता है, देयर फोर डब्ल्यू थ्री इज नॉट ए सबस्पेस। हाँ, अगर एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू जीरो आ गया होमोजीनियस, तो ये सबस्पेस है, अगर यहां पर नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो ये सबस्पेस नहीं है, therefore W3 is not a subspace. ठीक है,
तो आज यहाँ तक हम पढ़ेंगे, बाकी हम इससे आगे कल पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज़।